Hi, Bhagavan. Hi, Bhagavan. Do I die? Oh no! लाइफ की गाड़ी ने कसके मारा ब्यूटीफुल चील का लेक। इतना पैसा दे के ये ट्रेन बुक करने के बाद भी अगर यही सब प्रॉब्लम देखना पड़े तो आप लोग सोच लीजिए। अभी तो बहुत खुश हूँ, घर आ गई। हेलो व्यूअर्स, आज 27 फरवरी, हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन अभी घर जाने का कोई प्लान नहीं था। हालात कुछ ऐसा है कि हम लोगों को घर जाना पड़ रहा है। हम लोग हमसफ़र एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं। शाम को 6:20 को हमारा ट्रेन है नेलोर से। आफ्टर कोविड ये हम लोगों का फर्स्ट ट्रैवल है हमसफ़र, तो हमने सोचा है कि आप लोगों के साथ भी ये हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहेगा हमसफ़र में जाने का, इसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए, लेट्स कम विथ अस एंड फिट विथ अस। टाइम हुआ है 5:20, हम लोगों के पास अभी भी 1 घंटे का टाइम है। इसको अभी मजा आ रहा है, इसको अभी अब पता चल रहा है कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। अब ये कौन मेनू 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 हाय हाय भगवान, हाय भगवान, दुआ दिए। हाय भगवान, मामा तो हाय पढ़ दो सबाई के। हाय एई जे, हाय हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी नेलोर में पहुंच गए हैं। हमारा ट्रेन नंबर है 20890 तिरुपति हावड़ा हमसफ़र एक्सप्रेस। ये हर रविवार को तिरुपति से शाम को 4:10 में छोड़ता है और नेक्स्ट डे हावड़ा को यानी कि सोमवार को शाम को 6:30 को पहुंचाता है। इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू रीच हावड़ा फ्रॉम नेलोर। Thank you.
हमारा ट्रिप का शुरुआत हुआ मोहन बागान का मैच, उसके साथ स्नैक्स और चाय के साथ। बीच बीच में राय के साथ खेलना भी था। खेलने के बाद अभी टाइम हो गया था डिनर का। घर से फ्राइड राइस और चिकन कोशा बना के लेके आए थे। राय के लिए था एक स्पेशल डिश, डिनर करने के बाद हम लोग सोने के लिए गए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं वाइजैक स्टेशन में। टाइम हुआ है अभी 4:20 AM। वी क्रॉस्ड अबाउट 629 किलोमीटर फ्रॉम नेलोर। वाइजैक में आधा घंटा रुकने के बाद हमारा ट्रेन 4:52 पे निकल पड़ा। वाइजैक में एक चीज जो अच्छा हुआ, हमारे साथ जितना भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे वो सब उतर गए, तो हमारे एरिया पे हम लोगों के अलावा और कोई नहीं था, जो काफी अच्छा हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 7:30। हम लोग अभी रास्ते पे शायद उड़ीसा में घुस गए। नेक्स्ट स्टेशन 11 को भुवनेश्वर में। अभी कट बोमाली ये स्टेशन से क्रॉस कर रहा है, तो चलिए मैं तो उठ गया जल्दी, लेकिन बाकी दो फैमिली मेम्बर अभी भी सो रही है। रात को थोड़ा सोने में तो दिक्कत ही है, पुचकी को लेके उसको तो पूरा एक बात चाहिए। उसको पहले क्या है कि स्टार्टिंग में नींद नहीं आ रहा था, बाद में जब थोड़ा ठंडा हुआ चाय कॉफी तब उसको नींद आना चालू हुआ। और हम लोगों ने ये बर्ड को भी डाउन कर दिया। ये बर्ड उठा रहने से क्या हो रहा था कि उसको हवा नहीं आ रहा था, वो बार बार उठ जा रही, तो नीचे कर दिया। तो उसका मम्मी तो सो नहीं पाई, पूरा रात बैठी थी उसके पास। मैं तो थोड़ा 4 से 7 तक अभी तक सो रहा। अभी मैं उठा हूँ तो मम्मी सोने की रही है। देखिए आपने स्टेशन को थोड़ा
What a beautiful landscape in front of us. ट्रैवल करती हूँ सर, लाइक नेक्स्ट टाइम इसमें भी रहती हूँ, लेकिन ये उसको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल खाने के लिए। मतलब वो दाना दाना जो होता है ना राइस को, ऐसे हाथ से निचोड़ के भी खिलाऊ तो भी वो उल्टी कर देता है। उसका गला से अगर कोई एक भी दाना चला गया पूरा उल्टी कर देता है ये खिलाने में, उसको भी मुझे भी। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इसको खिलाने में। ये सॉस जैसा कुछ लग रहा है। ब्रेड एक, दो ब्रेड, सब चीज है लेकिन एनवायरमेंट पॉइंट में देने का कोई फायदा नहीं, पूरा ठंडा है। 50 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्या है इसमें? दो रोटी है और एक अंडा है, 20 रुपए का भी खर्चा। झटका जरा सा महसूस हुआ है, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। उड़ीसा के बीच में से और कुछ दूर जाके हम लोग देखे द ब्यूटीफुल चिल्का लेक। इलेवन हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके ये चिल्का लेक पूरी, खुर्दा और गुंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा लेक है। It has been listed as a tentative UNESCO World Heritage Site. और ये इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भी है। চেনা মশলা সবজি থাকবে, আলু মিক্স সবজি থাকবে, ডাল থাকবে, ফুল রাইস থাকবে, ভাত আছে, মাংস আছে, মাংস আছে, ডিম নেই, দুটো ডিম, ডিম 130 টাকা আছে, ডবল ডিম থাকবে, সবজি থাকবে, ডাল থাকবে, ফুল রাইস থাকবে, ডবল ডিম মানে ওই তো দুটো ডিম এই 41 ব্যালেন্স। सुबह से एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि एक भी चार्जर पॉइंट में सप्लाई नहीं है, सब चल रहा है, फैन, लाइट, एसी, सब ओके, बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं है। मतलब हम लोगों को और सप्लाई की जरूरत नहीं है। कल रात तक ही मेरा लास्ट फोन चार्ज हुआ, अभी बैटरी भी खत्म होने वाला है,
दो बैटरी तीन बैटरी मेरे पास गए, दो बैटरी खत्म हो गया, अब ये लास्ट बैटरी नहीं चल रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड था। देखिए आप भी क्या सिचुएशन है। चलिए यही नहीं, यहाँ पे जितना भी है सबका यही सिचुएशन। अब देखना पड़ेगा कि ये इसी बॉगी में है या दूसरा बॉगी में भी सेव करके रखा है, लेकिन ये तो मतलब एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है। हेलो हेलो, मिस्टर देवनाथ बात कर रहे हैं? जी सर, मैं वो B3 से बोल रहा था। यहाँ पे क्या है कि एक भी प्लग सॉकेट में सप्लाई नहीं आ रहा है। B3 में एक भी में पानी सप्लाई नहीं आ रहा है ना? पानी नहीं, जो प्लग सॉकेट है ना, सॉकेट मतलब चार्जिंग सॉकेट में चार्ज नहीं आ रहा है। ना, ठीक है सर, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। आ गया हम लोगों का डबल अंडा थाली, दाल दिया है, चावल दिया है, सब्जी। चलेगा। अभी हम लोग आ गए हैं कटक। तीन लोगों को खाने वाला खाना मिला है, यही बहुत बढ़िया बात है। काम हुआ है, फोन करने के बाद वो लोगों ने किया है सप्लाई। अभी सॉकेट में आप देखिए सप्लाई आ रहा है। अभी सप्लाई आ रहा है, मेरा स्पेयर बैटरी भी चार्ज नहीं होती। मेरा स्पेयर बैटरी को भी रख दिया है चार्ज, तो मतलब क्या पता नहीं क्यों ये बंद करके रखा था। इतना पैसा दे के ये ट्रेन बुक करने के बाद भी अगर यही सब प्रॉब्लम देखना पड़े तो आप लोग सोच लीजिए। हम लोगों का अभी तिरुपति जाने का प्लान था मार्च में, राय के फर्स्ट मून रन कराने के लिए। उसके लिए मम्मी और भाई भी आने वाला था हमारे इधर, तो अभी उन लोगों का आना भी पोस्टपोन करना पड़ा। अभी घर जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आप हर चीज़ प्लान करके नहीं कर सकते हो। ज़िंदगी में कभी कभी वक्त के साथ भी आपको चलना पड़ता है। हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ है। 18 फरवरी मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, उसके श्राद्ध के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो सोचा हम लोगों ने कि वहीं पे हम लोग जा ही रहे हैं तो राय का मुंडन भी करा देंगे तारकेश्वर जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 दिन का छुट्टी लिया हुआ है, तो आने के बाद फिर छुट्टी तो नहीं मिलेगा, इसके लिए ही घर जा रहे हैं। अभी हम इंटर कर चुके थे बंगाल पे। शाम को 4:10 पे हमारा ट्रेन आ पहुंचा खड़गपुर जंक्शन।
अगर मुझसे पूछेंगे कि इस ट्रेन में आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन मेरा बना था कि मुझको ये ट्रिप सडनली प्लान करना पड़ा था, तो इसीलिए मेरे पास इस ट्रेन को छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं था। और दूसरा ट्रेन का जो थर्ड एसी होता है और हमसफ़र का जो थर्ड एसी होता है, उसमें जो मुझको जो डिफरेंस लगा है वो है इसका इंटीरियर। वो इसका इंटीरियर वो जो नॉर्मल थर्ड एसी वाला ट्रेन है उससे थोड़ा बेटर है, स्पेशली इसका जो सीट कवर, सीट कवर का जो फैब्रिक है ना वो बहुत इसमें सॉफ्ट है, मतलब इसका थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी है उससे उसके हिसाब से। तो अगर आपके मेरे पास क्या था कि कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मुझको ये थर्ड एसी बुक करना पड़ा। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको अगर थोड़ा प्रीमियमनेस चाहिए ट्रेन पे तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बाकी सब सेम ही है, उतना कुछ अलग मुझको नहीं लगा। और क्लीननेस तो ये बराबर क्लीनिंग कर रहा है, ट्रेन का फ्लोर भी ये लोग क्लीन कर रहा है टाइम टू टाइम, बाथरूम भी क्लीन कर रहा है, तो क्लीननेस के मामले में कोई इशू नहीं है, बहुत साफ सुथरा ट्रेन है और आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम लोग आ पहुँचे थे हावड़ा स्टेशन पर, टाइम हो चला था अभी घर वापसी का। एकदम राइट टाइम पे था, एकदम राइट टाइम में हावड़ा घुसा दिया। तो मेरा चाचा और मेरी बहन ये दोनों हमको लेने आए, अभी तो बहुत खुश हूँ घर आ गई। चलिए बाद में बात करते हैं घर पहुँच। हमारा घर है हाली शहर पे, ये नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हावड़ा से हाली शहर तक आने में तकरीबन 2 घंटा टाइम लगता है। हावड़ा से हाली शहर का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है। अभी टाइम हुआ है 9:30, आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये हम सफ़र वाला ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारा चैनल फीट विद अस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टेक केयर, बाय बाय।